सो बहुत कम टाइम बच गया है अभी अपने फाउंडेशन के एग्जामिनेशंस के लिए. डर लग रहा है, पैनिक हो रहा है मैम, समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से करें, क्या करें, बहुत कम टाइम बचा है, इसको अच्छे से कैपिटलाइज किस तरीके से करना है समझ में नहीं आ रहा है. तो डू नॉट वरी, ये वाला जो वीडियो है यहाँ पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होने वाली है. अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है तो भी आप क्या कर सकते हो, और अगर आपने पढ़ाई कर ली है तो किस तरीके से रिविजन करना है, ये इस वीडियो में बताने वाली हूं मैं. बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिसको करके आप अभी तक, यू नो, अभी तक अगर पढ़ाई शुरू नहीं की है, स्टिल आप हर सब्जेक्ट में 60+ मार्क्स ला सकते हो. ये मेरी गारंटी है. दिस इज एज पर आईसीआर सेक्शन वाइज वेटेज एंड दिस इज एज पर आईसीआर लास्ट पास्ट फ्यू अटेम्प्ट पेपर्स. तो मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया है और इस तरीके से मैं इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाली हूँ. उसके साथ ही साथ कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है वो भी बताने वाली हूँ, और उसके साथ ही साथ कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और सीक्वेंस ऑफ द सब्जेक्ट क्या होना चाहिए पूरा डिटेल में प्लान करेंगे. तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अरे बेटा, टेंशन लेके क्या होने वाला है, हंस दो यार, कीप दैट स्माइल ऑन योर फेस. और अगर अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है ना, टेक इन चार्ज ऑफ द फैक्ट कि चलो अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं की. अरे रोके कुछ होने वाला है क्या, रिग्रेट करके कुछ होने वाला है क्या, नहीं. उससे तो बेटर है उठते हैं उस जगह से और अपने साइड से अपना 100% एफर्ट देना शुरू करते हैं. रोने से कुछ नहीं होने वाला है. दीज लास्ट 20-25 डेज कैन एक्ट एज अ गेम चेंजर फॉर यू. और बस ये वीडियो में छोटी से छोटी बातें बताने वाली, उसको इंप्लीमेंट कर लो, आपकी चीजें सॉर्ट हो जाएगी. सिलेक्टेड चैप्टर्स, इन पे से फोकस करना. और अगर आपने अभी तक पढ़ाई कर ली है ना, किसी के एग्जाम्स है, किसी का बीकॉम का एग्जाम्स है, पढ़ाई कर ली है ना, तो रिविजन के लिए भी सिर्फ ये चैप्टर्स भी रिवाइज करोगे तो पूरी प्रिपरेशन कॉन्क्रीट हो जाएगी. तो और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस गाइस, जैसे कि सिर्फ पढ़ाई करना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी ऐसी क्रूशियल मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए एज पर आईसीआर एग्जामिनर कमेंट्स, उस पर मैं वीडियो डालने वाली हूँ. उसके साथ साथ सब्जेक्ट वाइज आईसीआर कुछ क्रूशियल टिप्स देता है, कुछ यू नो ऐसी चीजें जो वो बोनस मार्क्स एक्ट करती है अपने लिए, वो वाले वेबिनार समरीज में इस चैनल पर डालने वाली हूँ. अनाउंसमेंट्स डालने वाली हूँ, मोटिवेशन, स्टडी प्लानर्स, टाइम टू टाइम स्ट्रैटेजी, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, सब कुछ 1.5 डे प्लानर, इनफैक्ट लाइव सेशन शेड्यूल्ड है आपके लिए, कम्युनिटी पोस्ट शेड्यूल्ड है आपके लिए, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलने वाला है. बिकॉज आई डोंट want you to get embarrassed on the results day ki foundation ke examinations mein fail ho gaye. That is, you know, kahin na kahin wo apna self esteem low kar deta hai. To har cheez main aapko aapke exam time tak guide karne wali hu. To channel ko subscribe karke rakhna, immediately hit that subscribe button, hit that bell icon so that you get notified whenever I post a video. Abhi main jo bhi bol rahi hu usko dhyan se sunna hai aapko, end tak sunna hai aur ek ek cheez implement karo. Bhale aapko 1.5 speed mein dekhna hai to dekho, lekin bahut crucial baatein main aapko batane wali hu. Are I'm like your elder sister, sab kuch aapko detail mein aapko yahan pe milne wala hai. Chalo theek hai, अभी आई थिंक अभी आपका जो चल रहा है चलने दो. फ्रॉम द फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट. अगर आपने अभी तक नहीं किया है पढ़ाई तो भी इस तरीके से कर सकते हो, और रिविजन करना है तो भी इस तरीके से कर सकते हो. फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ, फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अकाउंट्स. ठीक है, अकाउंट से बिगिन करेंगे. अभी अकाउंट्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं? अच्छा, मैंने आपको बोला था अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो लास्ट 20 डेज में तो 14-15 आवर्स पढ़ाई करेंगे अपन. 14-15 आवर्स बिकॉज 6 घंटा सोने में जाएंगे, 15-20 मिनट्स लंच, 15-20 मिनट्स डिनर, 15-20 मिनट्स ब्रेकफास्ट, 15-20 मिनट्स नहाना, 1 घंटा खाना पीना और नहाने में, 6 घंटा सोने में, 2 घंटा ऊपर, ऐसे ही चलेंगे 15-16 आवर्स अपन पढ़ाई करने वाले बेटा. अभी अकाउंट्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं? जो मॉड्यूल 2 के 4 चैप्टर्स है उसमें से 50 मार्क का आता है बेटा एग्जाम्स में, 15 मार्क्स का आता है फ्रॉम द मॉड्यूल 2. तो मैं आपको 4 दिन दे रही हूं. फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ जो बड़े चैप्टर्स है ना, उनको अपन देंगे 10-10-10 घंटे. जैसे कि फर्स्ट को कर लिया एनपीओ 10 आवर्स, सेकंड को कर लिया फाइनल अकाउंट्स 10 आवर्स, थर्ड को कर लिया कंपनी अकाउंट्स 10 आवर्स, और फोर्थ को कर लिया आई थिंक क्या बच गया, पार्टनरशिप को 10 आवर्स. तो ये 10-10 घंटे कर लिए, बचते दिन में 5-6 आवर्स उसमें छोटे चैप्टर्स लेंगे. जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से अकाउंट्स में, फर्स्ट को अपन करेंगे 3 आवर्स फॉर अकाउंट करंट, 3 आवर्स फॉर एवरेज ड्यू डेट, सेकंड को अपन करेंगे कंसाइनमेंट को 3 आवर्स, डेप्रिसिएशन को 3 आवर्स, थर्ड को अपन करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए 3 घंटे एंड आई थिंक बीआरएस के लिए 3 घंटे, और फोर्थ को अपन करेंगे इन्वेंट्रीज एंड कुछ थियोरी एरियाज. ऐसे करके अपन फर्स्ट टू फोर्थ अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट करेंगे. आई एम प्रीटी श्योर ये जब चीज सामने आएगी आपको समझेगा दिस इज डूएबल नाउ, आई कैन डू दिस नाउ. बस ये जो भी मैं बोल रही हूँ उसको फॉलो करना है आपको. ये हो गया फर्स्ट टू फोर्थ, ट्रू और फॉल्स भी अच्छे से प्रैक्टिस करना अकाउंट्स में. फिर अपन देंगे 5 दिन फॉर मैथ्स, बिकॉज मुझे पता है मैथ्स में तो अपनी बैंड बजी हुई रहती है, इसीलिए 5 दिन देंगे मैथ्स के लिए.
फिफ्थ को ओपन करेंगे सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बिकॉज इस एक चैप्टर में से, सिर्फ इस एक चैप्टर में से 15-20 मार्क्स का आता है एग्जाम्स में, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। सिक्स्थ को ओपन करेंगे एपीजीपी 7-8 आवर्स एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 7-8 आवर्स। सेवेंथ को ओपन करेंगे स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, जो स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है उसको 7-8 आवर्स करेंगे और रेशियो प्रपोर्शन को 7-8 आवर्स करेंगे। फिर एट को करेंगे कोरिलेशन रिग्रेशन 7-8 आवर्स एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन फॉर 7-8 आवर्स। सिर्फ इतने चैप्टर्स करो, लेकिन बहुत अच्छे से करो, प्रॉपर एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस करो। एंड नाइन्थ को एलआर करेंगे इजी 20 मार्क्स, इजी 4-5 चैप्टर्स 20 मार्क्स, सिर्फ इतना करो 80 मार्क्स, 80 मार्क्स आपके सॉर्टेड है, 60 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी, बस इसको अच्छे से करना है आपको। ये हो गया आपका फिफ्थ से लेकर नाइन्थ। फिर टेंथ से और एक इंपॉर्टेंट और एक आपका फेवरेट सब्जेक्ट लॉ बिगिन करेंगे, हो जाएगा, टेंशन मत लो। अगर आपको लगता है लॉ बिल्कुल ही नहीं किया है, मेरा कुछ हुआ ही नहीं है, तो टेंथ को सिर्फ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 15-17 आवर्स, 11th को सिर्फ LLP एक्ट 15-16 आवर्स, बहुत है, बहुत ज्यादा है। 12th को सिर्फ पार्टनरशिप 14-15 आवर्स, 13th को सिर्फ कंपनीज एक्ट 14-15 आवर्स और 14th को सिर्फ BCR। अगर आपने अभी तक पढ़ाई ही नहीं की है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को थोड़ा सा होल्ड पे रखो, और अगर आपने पढ़ाई की है तो आप ये जो एक्ट है इनको 10-12 घंटे दे दो, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डेली 3-4 आवर्स दे देना, ये 10 से 14 के बीच में। कुछ ही नहीं किया है तो ये तीन चैप्टर्स गाइस मैं आपको बता रही हूँ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, LLP, पार्टनरशिप बहुत छोटे हैं, और इसमें से आता है काफी हद तक 30 मार्क्स का तो आ ही जाता है इसमें से, और BCR तो है अपना 40 मार्क्स का, तो ये 70 मार्क्स को कॉन्क्रीट करो पहले, फिर बचा हुआ कंपनीज एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जितना टाइम बचता है उस हिसाब से आप मोल्ड कर सकते हो। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टिल 14th। फिर 15th और 16th को अपन इकोनॉमिक्स करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ चैप्टर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ चैप्टर 7-8 आवर्स फॉर ईच चैप्टर, 14th एंड 15th इकोनॉमिक्स, एंड 16th एंड 17th वी आर गोइंग टू डू दिस वन, सॉरी 15th एंड 16th वी आर गोइंग टू डू इकोनॉमिक्स एंड 17th एंड 18th वी आर गोइंग टू डू BCK, सॉर्टेड 18th तक इस तरीके से। 19th और 20th का कुछ बफर रखती हूँ मैं आपके लिए, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा टाइम लगता है। 21st से वी आर गोइंग टू बिगिन विद अकाउंट्स। नाउ यू टेल मी, इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? इट इज सर्टनली पॉसिबल गाइज, इस तरीके से पढ़ाई करके देखो, वो रिजल्ट के दिन आपको खुद पे बड़ा प्राउड फील होगा। बस मुझे ना, आई डोंट वॉन्ट एनी सैड फेसेस नाउ, आई डोंट वॉन्ट एनी पर्सन हु इज अंडर कॉन्फिडेंट। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है ना, आई जस्ट वॉन्ट यू टू कमिट टू मी कि मैम आई एम गोइंग टू पुट इन माई 200% ऑफ एफर्ट्स इन दीज लास्ट 20-25 days and I am going to emerge victorious in the upcoming December 23 attempt. बस वो commitment कर दो यार, वो जज्बा चाहिए अपने अंदर, वो vigor चाहिए अपने अंदर, वो belief चाहिए अपने अंदर, फिर देखना आपको कोई नहीं रोक सकता। बस ये time table seriously follow करो, 50-60-70 hours आप हर subject को अभी तक दे सकते हो, ये important chapters पे focus करो, ICI section wise weightage के हिसाब से ये chapters मैंने आपको दिए हैं, फिर देखना जीत आपकी होने वाली है। एक बार जो मैंने commitment कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनती, मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, बस ये मुझे कमेंट सेक्शन में आपके साइड से जुनून चाहिए, एंड फिर देखना आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे पोस्ट, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे लाइव सेशंस चैनल पे लाइंड अप है। आई विल स्टे इन टच विद यू टिल द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, बट कीप दैट स्माइल, ये वाली स्माइल आपके फेस के ऊपर मेंटेन रखना, एंड फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आई विल सी यू सुपर सून, विश यू ऑल द बेस्ट, टाटा।